सुपेला घड़ी चौक पर ऑटो स्टैंड के पास ही एक प्याऊ मौजूद है और इस प्याऊ में सभी मशीनें लगी हुई है, परंतु ये प्याऊ उसके बाद भी किसी की प्यास बुझाने में असमर्थ है। इसे शुरू करने की मांग ऑटो चालकों सहित राहगीरों ने की है। भिलाई शहर भर में गर्मियों के मौसम में राहगीरों को शीतल जल उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका निगम भिलाई एवं कई निजी संस्थाओं द्वारा प्याऊ घर बनाए गए हैं, परंतु सुपेला घड़ी चौक पर जहां ऑटो स्टैंड भी है वहां पर बना हुआ प्याऊ ऑटो चालकों और मुसाफिरों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रहा है। इस ऑटो स्टैंड में सूखे कंठ आए राहगीर प्याऊ देखकर पानी पीने जाते हैं तो उनके हाथ निराशा लगती है। इस वक्त पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए ऑटो चालकों सहित राहगीरों ने इस प्याऊ को जल्द शुरू करने की मांग शासन प्रशासन से की है। आधा घंटा हो गया और यहाँ नल में पानी नहीं है पीने के लिए। अच्छा, ये तो प्याऊ बना हुआ है, प्याऊ में पानी नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? तो पानी चाहिए हमको। मैं मोहम्मद आलम शर्मा को स्टैंड से ऑटो चलाता हूँ। यहाँ दिक्कत ये है कि आलंडी ने चालू करवा दिया, एक दो दिन रहा, उसके बाद फिर पानी हो गया। सवारियाँ आती है, ऑटो से आती है, बसें से आती है, धूप से लोग ऐसे चलने दे, पानी नहीं मिलती। ठंडा पानी भी है वो भी बंद है, और बारह महीना बंद ही रहता है। कभी चालू होता है गर्मी में, वो भी बंद है। दो तीन दिन रहा उसका फिर बंद हो गया। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकते, हम लोग खुद यहाँ भटकते हैं, लेकिन पानी नहीं होता। अब हमारा घर तो सारे क्या मांग करेंगे? हम लोग ये चाहते हैं नगर निगम से कम पानी हम लोग को ठंडा मिले, लोगों को, सवारियों को, जो भी पब्लिक आवाम, बस हमारी यही गुजारिश। और मेरा नाम शेख फिरोज है, मैं इस ऑटो स्टैंड का अध्यक्ष हूँ। ये बहुत व्यवस्था है कि खराब है यहाँ पे, पानी का तो बहुत समस्या है। ये कि सब कुछ रहते हुए सिस्टम है यहाँ पे, प्याऊ है, ठंडा करने के लिए सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। ये तो समझ में नहीं आता बात। अभी बीच में एक दिन के लिए चालू हुआ था, फिर बंद हो गया। ये प्रशासन को देखना चाहिए। यहाँ पे लोग प्यासे आते हैं ऑटो स्टैंड में, लोग इतने धूप से आते हैं, आधा एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है लोगों को, लेकिन व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। सुपेला चौक हमारा मेन चौक है शहर का, यहाँ का व्यवस्था रखना चाहिए सही। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, निगम वालों को, कि कम से कम यहाँ पानी की व्यवस्था रखे। तो प्याऊ कब से बंद है? प्याऊ तो हमेशा बंद ही रहता है। ये प्याऊ बीच में ये संस्था वाले आए थे और बोले चालू करके गए, पता नहीं संस्था वालों का है कि निगम वालों का है, समझ नहीं आता। अरे जिसका भी हो भाई, ये सार्वजनिक प्याऊ है, इसको चालू करना चाहिए। हमारी यही मांग है यहाँ की निगम प्रशासन से कि भैया कम से कम लोगों की परेशानी है, आप ये प्याऊ चालू करें सुपेला चौक का। गर्मी के मौसम ने अपना विकराल रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है और गर्मी भी चरम पर है। ऐसे में ऑटो स्टैंड पर ऑटो से उतरने वाले मुसाफिर सबसे पहले आसपास प्याऊ घर को खोजते हैं, परंतु जब उन्हें निराश होना पड़ता है तब उन्हें मजबूरी में आसपास की दुकानों से पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है। निगम प्रशासन को चाहिए कि इस प्याऊ को भी जल्द से जल्द शुरू करे, जिससे ऑटो चालकों सहित इस ऑटो स्टैंड पर उतरने वाले मुसाफिरों को भी अपने सूखे कंठ को तर करने का सौभाग्य प्राप्त हो। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।